नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। असम के जिला सोनितपुर ढेकियाजुली के अंतर्गत चाय बगान के 6 नंबर लाइन में एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिस वजह से अब पूरे लाइन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। असम के जिला सोनितपुर ढेकियाजुली के अंतर्गत सापोई चाय बगान के 6 नंबर लाइन पर आज एक महिला में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस वजह से अब पूरा लाइन को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। चूंकि चाय बगानों के क्षेत्रों में लेबर लाइन पर लोग इकट्ठे रहते हैं, इसके लिए यहां पूरा लाइन को कंटेनमेंट जोन बनाया जाना अनिवार्य है। अगर गाँव के क्षेत्रों में हुई हो तो एक घर को ही कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, क्योंकि इसमें लोगों के घरों की दूरी ज्यादा रहती है। पर लाइन ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा लाइन को ही कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।